कक्षा 9 विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक क्षितिज में लखनवी अंदाज का सारांश समझा दिए थे। आज प्रश्न उत्तर होगा। तो इसका इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक को इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है, लेखक को सेकेंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें एकांत वास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से कीड़ा काटा, नमक मिर्च बुरका अंत सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है, नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। जैसे यह सब करके नवाब साहब बता देना चाहते हैं कि उनके द्वारा उन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है। इस प्रकार यह सब नवाब साहब के अमीरी दिखाए के स्वभाव की ओर संकेत करता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है। घटना कैसी घटी, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। और घटना बिना कारण के नहीं होती है, अतः बिना पात्र के कहानी तथा बिना कारण के घटना कैसे संभव है? घटना के बिना विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यह पूर्णतः सत्य है। उसका विचार हमारे विचारों के अनुकूल है। और चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इस निबंध को निम्नलिखित नाम देना चाहेंगे, नवाबी दिखावा या नवाबी ठाट, थोथा चना, तीसरा आकर्षक प्रदर्शन आदि शीर्षक इसका हम देना चाहेंगे। और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न का उत्तर अगले क्लास में समझाएंगे।